हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट को यूट्यूब चैनल। तो आज के वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐड सेटअप किस तरीके से किया जाता है। देखो, ऐड सेटअप करने के ना दो तरीके होते हैं, एक तो ऑटो ऐड सेटअप, एक मैनुअल ऐड सेटअप। देखो, यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ऐड सेटअप तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐड सेटअप करना तो हमारे को भी आता है। तो देखो, ऐड सेटअप करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐड सेटअप है ना स्मार्ट तरीके से करना, वो बड़ी बात है। देखो, यहाँ पे आप लोग क्या करते होंगे, सिंपल ऐड यूनिट उठाते होंगे अपने ऐड से, अपने जो भी पोस्ट है उसमें लगा देते होंगे, अपने थीम में लगा देते होंगे, बस आपका काम खत्म। यहाँ पे बहुत सारे यूज़र पता है क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐड लगा देते हो और ऐसी जगह ऐड लगाते हैं जहाँ पर ऐड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। देखो, यहाँ पे आपको ऐड क्यों मिलते हैं और ऐड लगाने आपको कहाँ पर चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, ऐड आपको ना ऐसी जगह पे लगानी चाहिए जहाँ पर यूज़र को नीड हो, मतलब क्लिक करने की नीड हो, जहाँ पे यूज़र क्लिक करना चाहे तो ऐसी जगह आप ऐड लगाएंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा। आप फालतू जगह कहीं पर भी ऐड लगा देंगे तो यहाँ पे आपको ना तो कोई बेनिफिट होगा ना कोई आपकी अर्निंग होगी। तो इस तरीके का काम आपको नहीं करना है। बहुत सारे यूज़र ये गलतियाँ करते हैं, अपनी वेबसाइट पर खूब सारे ऐड भर के रखते हैं और सोचते हैं कि हमारी अर्निंग यहाँ पे भर भर के होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अगर यूज़र आपके ऐड पे क्लिक ही नहीं करेगा तो आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, आपको है ना क्लिक करवाना है यूज़र से। तो क्लिक किस तरीके से करेगा यूज़र, आपकी वेबसाइट पूरी क्लीन होनी चाहिए, मतलब बहुत कम ऐड आपके शो होने चाहिए, ऐसी जगह आपके ऐड लगे नहीं होने चाहिए जहाँ पर यूज़र क्लिक करे, मतलब यूज़र को नीड हो कि यहाँ पर क्लिक करना चाहिए मेरे को, तो यूज़र उस जगह क्लिक करे और हमारी अर्निंग हो जाए। तो ये होता है स्मार्ट तरीका ऐड लगाने का। आप कहीं पर भी ऐड लगा देंगे, कहीं पर भी फालतू जगह ऐड लगा देंगे, कुछ अर्निंग नहीं होगी आपकी, बल्कि आपका ट्रैफिक भी चला जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ऐड है तो ज़्यादा ऐड को देख के ट्रैफिक भी चला जाता है। तो देखो, अगर आप ब्लॉगर यूज़र हैं तो ब्लॉगर को थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती है यहाँ पर ऐड सेटअप करने में। अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, प्लगइन में सेटअप करना होता है, बस इतना सा काम होता है वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस के लिए ये वाली वीडियो नहीं है, यहाँ पे ब्लॉगर यूज़र के लिए वाली वीडियो होने वाली है। तो ब्लॉगर यूज़र को मैं आपको ना एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। देखो, यहाँ पे दो तरीके होते हैं ऐड लगाने के, तो उन मैंने आपको बता दिया, एक तो ऑटो ऐड सेटअप, एक मैनुअल ऐड सेटअप। तो यहाँ पर मैं आपको ना ऑटो ऐड सेटअप सजेस्ट करूँगा। देखो, ब्लॉगर पर क्या होता है, ब्लॉगर पर है ना यहाँ पर अगर आपका कभी CTR हाई हो जाता है, मतलब है ना कोई अगर आपका हेटर है, मतलब एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा जलने वाले लोग भी है ना आपके नीचे गिराने के लिए लगे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपके साथ कभी, देखो अगर कोई जलने वाला आपका नहीं है, हैटर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपका CTR हाई हो जाता है तो आपको ना अपने एड्स को यहाँ पे बंद करना पड़ता है CTR को कम करने के लिए। अगर आप CTR को हाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आपका एडसेंस यहाँ पे डिसेबल हो जाता है या फिर एड लिमिट वगैरह कुछ लग जाती है। तो आपको CTR को मैनेज करके रखना होता है। देखो, 15% से ज़्यादा CTR होता है तो यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है अपने CTR पे। तो इसका एक ही ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप अपने ऐड को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। तो अचानक से अगर आपका एकदम से CTR हाई हो गया है, 15% से भी ऊपर चला गया है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर, अगर आपने ऑटो एड्स लगा रखे हैं तो आप एक क्लिक में बंद कर पाएंगे अपने ब्लॉगर से। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आपको ऑटो ऐड का यूज़ करना चाहिए। लेकिन है ना देखो, अगर आपने मैनुअल ऐड लगा रखे हैं, मतलब है ना पोस्ट में कितने भी सारे ऐड लगा रखे हैं, फालतू जगह ऐड लगा रखे हैं, तो कभी आपका CTR हाई हो जाता है तो आप एक ऑटो ऐड्स को तो एक क्लिक में बंद कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल ऐड में अगर आपकी 100 पोस्ट है ना तो 100 पोस्ट में से जाके उस कोडिंग को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपके ऐड बंद होंगे यहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा मेहनत तोड़ना करने बैठेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम तोड़ना है, इतनी ज़्यादा मेहनत तोड़ना करने बैठेंगे यहाँ पे। तो आपको मैं यहीं पर सजेस्ट करूँगा, अब तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे ऑटो एड्स का यूज़ करें अगर आप एक ब्लॉगर के यूज़र हैं तो। तो ऑटो एड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम किए हो। देखो, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ऑटो एड्स के, तो पहले तो मैंने फर्स्ट रीज़न तो आपको बता दिया, यहाँ पे CTR हाई हो जाता है। लेकिन देखो, ऑटो एड्स में एक चीज़ और होती है, एक ऑटो एड में ना एक चीज़ का फ़ायदा और होता है। यहाँ पे देखो, कोई भी हेटर वगैरह होते हैं आपके जो भी आपसे जलते हैं, तो वो क्या करते हैं आपको नीचे गिराने के लिए यहाँ पे इनवैलिड क्लिक करवाते हैं या फिर बोट ट्रैफिक भेज देते हैं आपकी वेबसाइट पे। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इनवैलिड क्लिक का यहाँ पे एडसेंस में लिमिट लग जाती है या फिर बोट ट्रैफिक की एडसेंस में लिमिट लग जाती है, तो यहाँ पर आपका 1 महीने तक एडसेंस डिसेबल हो जाता है। तो देखो है ना, इन सब से बचने के लिए आपको ऑटो एड्स का यूज़ करना है, तो कभी भी CTR 15% से ऊपर जाएगा तो आपको उसी टाइम को ऐड को बंद कर देना है, और यहाँ पे आपको 2-3 दिन तक कोई भी ऐड नहीं लगाना है, आपका CTR अपने आप कम हो जाएगा। तो
इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखो वर्डप्रेस में यहाँ पे आपके पास प्लगइन आ जाता है, आप लिमिट सेट कर सकते हैं, कोई भी एक या फिर कोई भी तीन या फिर चार बार से ज़्यादा ऐड पर क्लिक नहीं कर पाएगा। जैसे भी कोई भी 3 या 4 बार से ज़्यादा ऐड पर क्लिक करेगा तो उसको 7 दिन तक आपके ऐड शो नहीं होंगे। तो वर्डप्रेस पे ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन ब्लॉगर पे हम कुछ नहीं कर सकते। ब्लॉगर पे हमने अगर मैनुअल ऐड लगा दिए तो हमारे को मैनुअली हटाने पड़ेंगे, ऑटो ऐड लगाए तो ऑटो ही हटाए पड़ेंगे हम, मतलब एक ऑप्शन से हटा पाएंगे ऑटो ऐड को। तो मैनुअल ऐड को हमारे को मैनुअल हटाने पड़ेंगे, एक एक कोडिंग जहाँ पे हमने लगाई है वहीं से हमारे को हटाना पड़ेगा, चलो CTR हाई होगा तो। इसलिए मैं आपको इतनी मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पे आपको मैनुअल ऐड नहीं लगाने, यहाँ पे आपको ऑटो ऐड में सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। देखो ऑटो ऐड आप लगाना चाहते हो लेआउट में आप लगा सकते हैं, जब भी आपका CTR हाई होगा तो आप लेआउट में जाके बंद कर पाएंगे फटाफट से। लेकिन अगर आप पोस्ट में भी लगा देते हैं ऐड तो पोस्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो बाकी आपकी मर्जी है अब आप कौन सा सेटअप करना चाहते हैं, मैनुअल या फिर ऑटो। मैंने आपके लिए ब्लॉगर के लिए यही सजेस्ट करा कि आप ऑटो ऐड्स यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो देखो है ना एड्स को लगाया कैसे जाता है, अब ये बात कर लेते हैं हम। तो देखो एड्स को लगाना बिल्कुल सिंपल है। देखो ऑटो एड्स का पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑटो एड्स को आपको कैसे लगाना होता है। पहले मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने एडसेंस पे। एडसेंस पे आने के बाद आपको अपने डोमेन पे आ जाना है, यहाँ पे ऑटो एड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो ये ऑन रहना चाहिए। बस ये ऑटो एड्स का ऑप्शन ऑन कर दो, आपकी वेबसाइट में ऐड अपने आप आने लग जाएंगे। और देखो ऑटो एड्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे इन पेज ऐड मिल जाता है, मल्टीप्लेक्स ऐड मिल जाते हैं, एंकर ऐड मिल जाते हैं, यहाँ पे वाइड स्क्रीन ऐड मिल जाते हैं, साइड रेज मिल जाती है, विगनेट ऐड मिल जाते हैं, वाइड स्क्रीन वगैरह बहुत सारे ऐड ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये अपने आप शो होते हैं यहाँ पे, अगर आप इनको ऑफ कर दोगे तो आपकी वेबसाइट से पूरे ऐड हट जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑटो ऐड सेटअप। यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट में देखो 7 ऐड यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये जो ऐड शो हो रहे हैं वो ऑटो ऐड है। देखो ये ऊपर ऐड आ रहा है वो ऑटो ऐड है, यहाँ पे ऑटो ऐड आ रहा है, यहाँ पे ऑटो ऐड आ रहा है। तो ऑटो ऐड आप इस तरीके से लगा सकते हैं, तो ऑटो ऐड लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे। अब देखो आप मैनुअल ऐड कैसे लगा सकते हैं, तो मैनुअल ऐड लगाने के लिए आपको ऐड यूनिट यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है, और यहाँ पे बाय ऐड यूनिट पर क्लिक करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको 4 ऐड यूनिट मिल जाती है। तो आप डिस्प्ले ऐड लगाना चाहते हैं, देखो अगर आपकी कोई भी इमेज के नीचे आप ऐड लगाते हैं तो डिस्प्ले ऐड का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और भी ऑप्शन है, देखो अगर आप स्क्वायर में लगाना चाहते हैं तो स्क्वायर में लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में लगाना चाहते हो हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं, वर्टिकल में लगाना चाहते हो तो वर्टिकल में। तो स्क्वायर में लगाना तो ये है ना पोस्ट के अंदर काम करता है, अगर आपको फुटर में लगाना है तो आप ये हॉरिजॉन्टल वाला यूज़ करना, अगर आपको ये अगर साइड बार वगैरह में लगाना है तो आप ये वर्टिकल वाला यूज़ करना, बैनर ऐड जिसको बोलते हैं, तो ये वर्टिकल के लिए होता है। यहाँ पे क्रिएट कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे आप ऐड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप सिंपल कुछ भी आप ऐड रख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल क्रिएट करना है, कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो कोड आपको अपनी यहाँ पर पोस्ट में आना है। तो पोस्ट में आने के बाद देखो यहाँ पे आपको कंपोज व्यू करना है, और यहाँ पे आपको सिंपल 1 2 3 आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, और यहाँ पे आपको HTML व्यू पे आना है, कंट्रोल F करना है, 1 2 3 को सर्च कर लेना है। ये हमारा 1 2 3 आ चुका है, तो इसको क्लियर करके आप अपना ऐड का कोड पेस्ट करते हैं। बस आपका ऐड लग चुका है यहाँ पे, इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड को लगा सकते हैं अपनी पोस्ट में। और देखो लेआउट में मतलब होम पेज पे ऐड कैसे लगाना है, तो होम पेज के लिए आपको लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखो ये साइड बार वगैरह में ऑप्शन मिल जाता है ऐड गैजेट का, तो इस पर आपको टिक करना है, आपको HTML JavaScript पे टिक करना है, यहाँ पे आपको वो कोडिंग पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है, आपके साइड बार में भी ऐड लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैनुअल ऐड लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो अगर आप अपनी पोस्ट के हेडर और फुटर में शो करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी पोस्ट है सबके हेडर और फुटर में एड्स शो हों, तो आपको थीम्स में आना है। थीम्स में आने के बाद आपको एडिट HTML पे आ जाना है, तो एक टैग तो आपको है ना यहाँ पे पेस्ट करना है, हेड टैग है ना, तो उसके नीचे एक कोड लगाना है, और एक बॉडी टैग है ना उसके नीचे लगाना है। तो यहाँ पे आप बॉडी सर्च कर सकते हैं, देखो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे बॉडी जहाँ पे क्लोज होती है बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज होता है वो सर्च कर लेना है। तो बॉडी टैग के जस्ट नीचे देखो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लगा देना सेकंड कोड। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी पोस्ट होगी उसके हेडर में शो करने लग जाएगा ऐड, और एक फुटर में शो करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैनुअल ऐड का सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ऑटो ऐड्स को आप एक बार में क्लोज कर पाएंगे, एक ऑप्शन बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देखो
ऑटो एड्स को बस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बैक नहीं हो रहा। यहाँ पे बैक हो चुका है, तो ऑटो एड्स पे आपको आना, बस ये ऑन है तो इसको ऑफ कर देना, तो ऑटो एड्स आपके सारे ऑफ हो जाएंगे। आपकी वेबसाइट में जितने भी ऐड होंगे वो यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, जो भी ऑटो एड्स जिनको बोलते हैं वो ऑफ हो जाएंगे। और मैनुअल ऐड आप लगा देते हैं तो आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा, जब भी आपका CTR हाई होगा तो आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो CTR को कम करने के लिए आपको ऐड को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा ब्लॉगर के लिए, तो आप यहाँ पे अपने ऑटो एड्स को यूज़ करें ब्लॉगर का, अगर आप यूज़ करते हैं तो। देखो ये हमारी ब्लॉगर पे बनी हुई है वेबसाइट, और ये मैंने कल ही बनाई थी वेबसाइट, और यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा सही आ रहा है, आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ। देखो आपके लिए बनाई थी मैंने ये प्रीमियम वेबसाइट, जिस पर मैं प्रीमियम प्लगइन वगैरह दे रहा हूँ, तो उस पर उसके लिए मैंने बनाई थी। यहाँ पे ऐड वगैरह भी चल रहे हैं हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड ब्लॉकर को ऑन कर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ भी एडसेंस में डिफेक्ट वगैरह नहीं आए, क्योंकि मैंने इसी जीमेल पे ये खोल रखी है और इसी जीमेल पे हमारी ये हो रखी है, तो मैं गलती से भी क्लिक कर दूंगा ऐड वगैरह पे तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप है ना, जहाँ पे यूज़र को नीड होती है वहीं पर ही ऐड लगाएं, तो वहीं पर आप ऐड लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगी, और देखो आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो देखो यूज़र को नीड होती है, मतलब आप है ना कोई भी लिंक वगैरह देते हैं तो यूज़र वहाँ पे ज़रूर क्लिक करता है, तो वहीं पर ही आप एक ऐड लगा देंगे तो आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, यूज़र की नीड भी पूरी हो जाएगी। तो बस आपको इस तरीके से काम करना है, स्मार्ट वर्क आपको करना है, फालतू जगह ऐड नहीं लगाने। आप 10 ऐड भी लगा दोगे ना अपनी वेबसाइट पे तो भी आपकी अर्निंग नहीं होगी, अगर आपने ऐसी जगह ऐड नहीं लगाया जहाँ पे यूज़र ने क्लिक करा है। तो ऐसी जगह ऐड आपको लगाना है जहाँ पर यूज़र क्लिक करे, यूज़र को नीड हो, वहाँ पर आप एक ऐड भी लगा दोगे ना, पूरी पोस्ट में एक ऐड लगा दिया आपने ऐसी जगह पे जहाँ पे यूज़र क्लिक कर रहा है, तो वहाँ पर आपको अर्निंग होगी। और आपने 10 ऐड अपनी पोस्ट में लगा दिए और यूज़र वहाँ पे क्लिक ही नहीं कर रहा, तो आपको 0 अर्निंग शो होगी। आप कितने ऐड लगा ले तो आपको 0 ही अर्निंग शो होगी। तो आपको ऐसी जगह ऐड लगाने हैं जहाँ पर यूज़र क्लिक करे, तो ऐसी जगह कौन कौन सी हो सकती है? एक तो लिंक, जहाँ पर आप देते हैं अपनी वेबसाइट पे कुछ भी डाउनलोडिंग लिंक वगैरह देते हैं या फिर कुछ भी डायरेक्ट लिंक देते हैं, तो उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे आप ऐड शो करवा सकते हैं। एक दो फोटोज़ वगैरह के नीचे ऐड आप ऐड शो करवा सकते हैं, और फीड में आप एक दो ऐड शो करवा सकते हैं। इस तरीके से आपको ऐड को लगाना होता है, ज़्यादा ऐड मत लगा के रखना अपनी वेबसाइट पे, ट्रैफिक आपका पूरा चला जाएगा ज़्यादा ऐड को देखकर। मिनिमम एक पोस्ट में आप 2 ऐड लगाएं, एक तो जहाँ पे यूज़र को नीड है वहाँ पे, एक हेडर में लगा सकते हैं या फिर फुटर में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐड लगाने होते हैं, और होम पेज पे भी आप ज़्यादा ऐड मत लगाना, मतलब मिनिमम आपको 5-6 ऐड लगा के रखने हैं होम पेज पे, उससे थोड़े से ज़्यादा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह लगाना जहाँ पर यूज़र क्लिक करे। तो यही स्मार्ट तरीका होता है एड्स को लगाने का। इस तरीके से आपको ऐड का सेटअप करना होता है, और यहाँ पे देखो वर्डप्रेस का पूरा इजी होता है पूरा सेटअप, और यहाँ पे ब्लॉगर के लिए कोई भी लिमिट वगैरह नहीं होती कि हम यहाँ पे लिमिट सेट कर सके कि एक यूज़र यहाँ पे 3 से 4 बार क्लिक नहीं कर पाए, तो ये ब्लॉगर पे ऐसा सिस्टम नहीं होता, लेकिन वर्डप्रेस पे ऐसा सिस्टम होता है। तो वर्डप्रेस का मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको वर्डप्रेस का बता दूंगा किस तरीके से वर्डप्रेस पे करने होते हैं, मैंने ब्लॉगर का आपको बता दिया। देखो ये वाली वीडियो मैंने बनाना इसलिए सही समझा क्योंकि बहुत सारे यूज़र यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, फालतू के ऐड लगा देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी कोई अर्निंग ही नहीं हो रही, तो आपने सही जगह ऐड लगाए होंगे तभी तो आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे आपको सही जगह ऐड लगाने, अब आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे आपको कहाँ पर ऐड लगाने होते हैं, तो ऑटो ऐड्स मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ वो भी आप समझ गए होंगे। तो बस इस तरीके से आप कर लेना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो ऐसी वीडियो अगर आपको देखने है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।